यशवंत भाई पीछे पीछे। दिनांक 8 जुलाई 2024 की रात्रि 9:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि झरिया थाना अंतर्गत चौथाई कुंडली में तेज गति से 8 जुलाई को चौथाई कुली झरिया में तेज गति से कार चलने को लेकर हुए विवाद में चौथाई कुली झरिया निवासी अमन रवानी उर्फ गप्पी को कुछ अपराधियों के द्वारा सिर पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया। इस घटना में घायल अमन रवानी उर्फ गप्पी के चाचा अजय कुमार सिंह के बयान के आधार पर झरिया के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिंधरी डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित हुई। गठित टीम द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर घटना में शामिल अभियुक्त सुमित कुमार मिश्रा, विवेक कुमार रवानी, अनुज पासवान को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में उपयोग किए गए पिस्टल, गोली और मोबाइल भी बरामद हुए। दिनांक 8 जुलाई 2024 रात्रि 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी झरिया थाना अंतर्गत चौथाई कुंडली में तेज गति से वाहन चलाने को लेकर के चौथाई कुंडली निवासी अमन रवानी उर्फ गप्पी पिता विमल कुमार रवानी को कुछ अपराधकारियों के द्वारा सिर में गोली मारकर जख्मी कर दिया है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस घटना के बाद अमन रवानी के चाचा अजय कुमार सिंह के बयान के आधार पर झरिया थाना कांड संख्या 169/24 दिनांक 9/7/24 धारा 127+1 127+2 115+2 117+2 109 352 151+2 3+5 BNS एक्ट तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और इस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद महोदय के निर्देश में LDPO सिंधी के नेतृत्व में एक SIT टीम की गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित छापामारी करते हुए विभिन्न स्थलों से इस अपराध और को कारित करने में जो भी अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लिए हैं और जो इस घटना में जो प्राथमिक अभियुक्त हैं जो घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। और इस घटना में शामिल अभियुक्त का नाम है सुमित कुमार मिश्रा पिता संतोष कुमार मिश्रा, विवेक कुमार रवानी पिता स्वर्गीय सुरेश रवानी दोनों साकिन चौथाई कुंडली झरिया के निवासी हैं और तीसरा अनुज पासवान पिता दिलीप पासवान भागा 5 नंबर झरिया सभी झरिया जिला धनबाद के रहने वाले हैं। और इस घटना को कारित करने में जो पिस्टल का प्रयोग किया गया था वो पिस्टल और एक गोली तथा एक मोबाइल को गिरफ्तार अपराधियों के पास से गिरफ्तार किया। कुछ और नाम अभी विभिन्न बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं जिसमें अभी जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी हम लोग निश्चित तौर पे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गोली किसके द्वारा चलेगी? अभी जो बयान में आया है उसमें कहा गया कि अनुज पासवान के द्वारा गोली चलाएगी। अभी तक झरिया थाना में इन लोगों के विरुद्ध कोई प्राथमिकी पहले से दर्ज नहीं हुई है। हम लोग और विभिन्न थानों से संबंध में पता कर रहे हैं। सर अभी क्या कारण था क्या बोलते गोली चलाने का कारण यह था कि वो विवेक रवानी जो है एक गाड़ी से जा रहा था, एक गाड़ी बहुत तेज़ी चला रहा था जिसकी वजह से इस अमन रवानी के पिताजी के द्वारा कहा गया कि तेज से क्यों गाड़ी चला रहे, इस बात को लेकर दोनों में बगचक हुआ और फिर बगचक जो है मारपीट हुई थी, फिर उसका विवाद का जो वाहन को चलाने को लेकर। इस बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और यदि स्वतंत्रता हो तो कार्रवाई करें। ये अनुसंधान कर यशवंत भाई पीछे पीछे।